तो जॉन अलिया जो हैं वो मेरे बड़े पसंदीदा शायर हैं, क्योंकि उनका जो तारुफ मुझसे हुआ वो बड़ी अलग अंदाज में हुआ। उनकी जो सोच थी वो मुझे बड़ी भाई, मैं शायद उस वक्त 8वीं क्लास में थी जब मैंने उनका पहला शेर सुना और मुझे लगा कि ये कौन शख्स है। वो शेर जो मैंने सुना वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, ये जी वही सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो मैंने कहा ये कौन आदमी है जो औरत को औरत बनने के लिए कह रहा है। वो उससे ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा हाकिम हूं, वो अपनी बड़ाई नहीं जता रहा, वो एक हक दे रहा उसे कि तुम मेरा नाम लो ना, तुम अपना जो नाज है वो मुझे दिखाओ। मतलब वो एक तरह से उसे पेडिस्टल में रख रहा है। तो उनकी ये जो सोच थी मेरे आसपास के माहौल में नजर नहीं आती थी मुझे, उसने मुझे चौंकाया। मैंने सोचा ये क्या है, उर्दू शायरी तो एक ऐसा शहर है जिसके गली कूचों में इश्क के किस्से हैं, मोहब्बत की दास्तानें हैं, इसकी मुंडेरों पर दोस्ती और वफा के तराने भी हैं, यहाँ गम भी है यहाँ दर्द भी है। लेकिन इस शहर के अंदर जॉन ने एक दुकान सजाई है, वो दुकान थी दर्द की, वो दर्द जिस पर वो शर्मिंदा नहीं है। अगर यहाँ पर ये कहें कि जॉन जो है वो अपने मर्द से बड़ा प्यार करते हैं, उन्हें तीमारदारों की भीड़ बड़ी पसंद है कि कोई आके पूछे अरे मियाँ हुआ क्या है, कि मतलब उन्हें बड़ा मजा आता है कि कोई पूछे कि तुम नाकाम क्यों हो गए, तो उन वो सेलिब्रेट करते उस नाकामी को। वो अटेंशन सीकर भी हैं कि उन्हें बार बार ये लगता है कि आओ ना पूछो ना, वो मेडल की तरह जख्म को दिल पर सजाए घूमते हैं कि भाई मैं तो नाकाम हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी रिश्ते में या किसी काम में नाकाम हो जाते हैं तो उसको हम उसको खुद एक अपनी नाकामी तसव्वुर करके गमगीन भी हो जाते हैं, छुपाते भी हैं। लेकिन जॉन ने अपने दर्द को कभी छुपाया नहीं, उन्होंने दुनिया के सामने उस दर्द को रखा और उसका जश्न मनाया। तो जॉन दर्द के शायर तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जश्न मनाने का जो अंदाज है वो मीर से बड़ा ही मुख्तलिफ है। वो रोते नहीं हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते भी हैं और कहते हैं आओ भाई जरा आओ मेरे पास आओ, मैं इस वक्त दर्द और दुख का शिकार हूँ। तो जैसे इनका एक ये शेर है जिसमें यह है, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। तो उन्हें सिसकना है, उन्हें जख्म को कुरेदना है, क्योंकि उसमें बड़ा मजा है। उसमें यह है कि चार लोग पूछ रहे हैं तो वो सिलसिला बरकरार वो रखना चाहते हैं। जो आज मैं आपसे उनकी एक गजल शेयर कर रही हैं वो ये है, अभी एक शोर सा उठा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ इससे पहले भी हो चुका है कहीं, इससे पहले भी हो चुका है कहीं, तुझको क्या हो गया कि चीजों को कहीं रखता है ढूंढता है कहीं। तो ये एक दीवानगी का सा जो आलम है जिसमें खुद को खुद की खबर ना हो, जॉन इस आलम में हमेशा घूमना चाहते हैं, उन्हें दीवानगी बड़ी पसंद है। जो यहां से कहीं ना जाता था वो यहां से चला गया है कहीं, वो यहां से चला गया है कहीं, आज शमशान की सी बू है यहाँ, क्या कोई जिस्म जल रहा है कहीं, क्या कोई जिस्म जल रहा है कहीं, हम किसी के नहीं जहां के सिवा, ऐसी वो खास बात क्या क्या है कहीं, ऐसी वो खास बात क्या है कहीं, तू मुझे ढूंढ मैं तुझे ढूंढूं, कोई हम में से रह गया है कहीं, कोई हम में से रह गया है कहीं, कितनी वहशत है दरमियाने हुजूम, जिसको देखो गया हुआ है कहीं, जिसको देखो गया हुआ है कहीं।